औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम YouTube फैमिली मेंबर्स को सलाम कबूल हो। डियर ऑल, मैं अपने तमाम YouTube फैमिली मेंबर्स जो ना जाने कहाँ चले गए हैं, मैं उन्हें बहुत बेसब्री से और शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। जितना प्यार और जितनी इज़्ज़त और जितना एहतराम और जितना खुलूस आपने एकदम से दिया था, वो सब अब मैं ढूँढ रहा हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे घर में कौन कौन आता है और कायनात कहाँ है। तो कायनात की कुछ मंगनी की बात चली थी, उस सिलसिले में उनके जिनसे बात चली थी मंगनी की, तो उन्होंने व्लॉगिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी, तो छह कायनात ने फॉलो किया और उसको फॉलो करते करते अपने पापा का साथ छोड़ा और अपने पापा के साथ व्लॉगिंग करना छोड़ दी, जिस पर मैंने उनको बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि वो माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, बच्चे छोटे नहीं हैं। उनके अपने तजुर्बा और फैसले का सुनना और मानना हमारा फ़र्ज बनता है, तो ये वजह है। और सो दोस्तों, मेरा ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन जो अपने वर्क पर रहा, हमारे वर्क पे रहा, मेरे घर के लिए काम जो मैं करने की कोशिश करता हूँ उस पे रहा, इस पर सपोर्ट किया मेरे फैमिली मेंबर्स में, स्पेशली मेरी बेटी ने, लेकिन मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ। तो मैं आप लोगों का, तमाम लोगों का सपोर्ट जैसा शुरू किया था आप लोगों ने, वैसे चाहता हूँ। मैं आप लोगों के खलूस को ढूंढ रहा हूँ, अपने तमाम सब्सक्राइबर को ढूंढ रहा हूँ जो कि ना जाने कहाँ चले गए। प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से अकी लकी का चैनल ना सिर्फ बहुत अच्छा जा रहा था, और इसके अलावा मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों का मिलना भी नसीब में आ गया था। तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सपोर्ट कीजिए, और तमाम लोग जो गायब हो गए प्लीज़ आ जाएँ, मैं उन्हें ढूँढ रहा हूँ। तो आज का व्लॉग भी मेरे काम के वाले थे, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि आज हम कहाँ क्या कर रहे हैं। थैंक यू, मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा। होंडा 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 होंडा। इस्लामाबाद फ्रेंड्स, तो मैं अब आ गया हूँ आपके सामने, और दूसरा ये कि हम होंडा के शोरूम में पहुँच चुके हैं। आप ये पीछे मेरे कार्स वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर मॉडिफाइड होती हैं, और ये वीडियो मैं आज खुद बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो में आ नहीं पा रहा। तो ये हम लोग होंडा के शोरूम पहुंच गए हैं, तो आज का हमारा डेकोरेशन जो है वो होंडा शोरूम में होगा, होंडा कार शोरूम, तो आप सब जानते होंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम, इस तरीके से ये खुल्ला सिम सिम बंद हो जा सिम सिम, ऐसा लगता है मुझे। और ऑटोमेटिक सिस्टम करवा था, ये खुल रहा है माशाल्लाह, और हमारा काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। ये देखिए बैलेंस की बिलिंग हो चुकी है, काफ़ी काम कर रहे हैं। आज मुझे भी मेरे साथ थे, तो अब दिखाते हैं आपको अंदर जाकर। तो गाइस, आज का भी लोग बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं आज बहुत ही अच्छी सी जगह तो बहुत दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन आज का जो व्लॉग है वो गाड़ियों के हवाले से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ पर काम करते हैं, इतने सारे लोगों से मिलना हुआ है, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ मैं, और अलग अलग काम जो यहाँ मैंने देखे तो बहुत और मुतासर हो यहाँ पर आकर। तो आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी भी हो रही है, माशाल्लाह रिफाइनिंग हो रही है, चीज़ें असेंबल हो रही हैं, कार को मॉडिफाई किया जाता है, असेंबल किया जाता है होंडा कंपनी, आप सभी जानते हैं। तो दिखाएँ हमारे पीछे क्या हो रहा है, कार्स वगैरह शो कराएँ, और ये जो हो चुकी हैं ये ये। और ये मैं रमेश के नाम कर रहा हूँ, ये वाली, और इसके बराबर वाली मैं इनको दे चुका हूँ, उसकी किस्त उतरने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमने होंडा कंपनी शोरूम के लिए क्या किया है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एंट्रेंस, मेरे हाथ में टेप, मजदूर के हाथ में टेप। तो ये दिखे सबसे पहले रिसेप्शन पे मैंने बहुत प्यारा सा एक आर्च खड़ा किया, जिसकी गार्लैंड टाइप की बहुत प्यारी सी बेस बनाई, साथ ही ये ग्रे सिल्वर कलर की सुरमई बड़ी प्यारी सी कार, और इसके साथ इसका एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमारी कोशिशें, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल किया जाता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। देखें आपके सामने कार के साथ ही हमारा बैलून्स का आर्च, और इसके साथ इन लोगों की तरफ से रिफ्रेशमेंट वेलकमिंग, कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने मेहमानान ग्रामी के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये तमाम गाड़ियाँ बहुत खूबसूरत अंदाज में बैलून्स हमने लगाती हैं अपने एज पर कलर कोड, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, और पीछे जो हमने काफ़ी कुछ काम किया है, और इसके अलावा ये पंचिस भी हमने यहाँ लगाए हैं बैलून्स के। और ये देखें इस वक्त गाड़ी की जो है वो
सर्विसेज की स्पेशलिटी बनती जा रही है और पूरा अपना अमला अपना काम कर रहा है। और अब जाने का टाइम हो गया है, इस वक्त हमने अपना काम कर दिया वाइंड अप। आफ्ताब मेरे पीछे हैं, ये देखें आफ्ताब मेरा पीछे है और हम थोड़ी देर बाद खाते हैं। तो फ्रेंड अब इन्होंने कह दिया खाने का, तो अब खाने के लिए हम आ गए हैं अल बरकत मुर्ग चना। हाँ भाई क्या नाम है आपका? तो हम आ गए, तो खाते चेक करते कैसा है। चलो आफ्ताब भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है भाई। ओए होए होए होए, हाँ भाई क्या मंगाया जाए? कुछ भी मंगा लिया जाए, कुछ भी नहीं पकता यहाँ पर। वाले जो आपका दिल करे, पैसे तो मुझे दे रहे हैं, आपके दे रहे हैं। चलो ठीक है भाई, आज की पार्टी एक्टिवा की तरफ से और हमने वो खाना स्टार्ट कर दिया है और हम इंतजार नहीं कर सकते। चलो बेटा बिस्मिल्लाह करो। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये रमेश को थोड़ी नींद आ रही है, आज ये रमेश को इसलिए नींद आ रही है कि इन्होंने रात को डीजे भी किया है और जो मैं प्रोग्राम करता हूँ उसमें पार्टिसिपेट भी किया है, तो रमेश थके हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद मॉर्निंग में मैंने सर्विसेज की है, आपने पूरे ब्लॉग में चेक किया। अब हमारे खाने का टाइम है, इन्होंने बिस्मिल्लाह कर दी, अब मेरी बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से खाना। थैंक यू। दोस्तों आज तक की वीडियो यहाँ तक की थी, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें और के मुझे सपोर्ट करने वाले, मेरे तमाम चाहने वाले मेरे साथ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं कुछ बेहतर आप तक पहुँचा सकूँ, दिखा सकूँ। तो बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे रुख्सत चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।